सामग्री है 1 कप फ्रेश मटर, 1 कटा हुआ गाजर, 1.5 कप रवा यानी सूजी, काला नमक, चाट मसाला, 2 से 3 हरी मिर्ची और 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा कटा हुआ प्याज। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम जार में मटर को डाल देंगे और डालेंगे इसमें मिर्ची। मिर्ची अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डालेंगे अब लहसुन। अब इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे जिससे ये स्मूथ सा बैटर बन जाए। देखिए ये हमारा स्मूथ सा बैटर बनके तैयार है। अब हम इसको बिल्कुल एक भी लम्स नहीं है, अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और डालेंगे सूजी। सूजी हमने उसी कप से लिया है जिस कप से मटर लिया था। अब डालेंगे इसमें प्याज, सारा प्याज डाल देंगे और डालेंगे गाजर। आप इसके साथ कोई भी सब्जी ले सकते हैं जैसे शिमला मिर्च, टमाटर, और डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, एक चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच डेली बेस नमक जो वाइट नमक होता है। नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 नमक पड़ा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने उसी जार में पानी डाल के इसमें डाला है मिक्स, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको बिल्कुल स्मूथ सा फाइन पेस्ट बनाना है इसका। देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ये हमको ज़्यादा थिन लग रहा था। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे मटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैंने बाद में डाला है। और इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से मिला के रेस्ट करने पर रखेंगे। 10 मिनट हमारा हो गया। देखिए कितना अच्छा सूजी फूल के बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा 1/2 चम्मच। आप बैटर कभी भी तैयार करें लेकिन जब आप बनाने जाएं तभी इसमें खाने वाले सोडे को डालिए, आराम से मिक्स कीजिए। ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसमें डालेंगे, पैन में डालेंगे ऑयल। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब चारों तरफ से ग्रीस करेंगे इसको। अब इसमें डालेंगे बैटर। बैटर को आप अच्छे से थोड़ा सा मोटे थिक में ही डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा पतला कर देंगे तो चीला अच्छा फ्लफी सा नहीं होगा। और आप इसको चाहे तो नॉनस्टिक तवा पे भी बना सकते हैं, बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखेंगे। देखिए हमारा ब्राउन होता हुआ दिख रहा है चारों तरफ से। आप करेंगे
तब हम इसको पलटेंगे। नीचे से ये बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, अब नीचे से हम बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको सेकेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे ही। देखिए हमारा ये सिक के बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए हम आप इसको उल्टी तरफ से भी आपको हम दिखा देते हैं, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही हेल्दी भरा नाश्ता है ये। तो देखिए हमने हेल्दी भरा नाश्ता तैयार कर लिया। अब इसे आप चाहे दही, चटनी, अचार, जिससे चाहे आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं और बच्चों को भी खिलाइए। बच्चों को ज़्यादातर हरी सब्जियां पसंद नहीं होती हैं और आप कब खिला दिया बच्चों को बना के ये हरी सब्जी, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। और खाइए और बताइए कैसा बना है ये नाश्ता। आप खाइए और खा के बताइए ये नाश्ता कैसा बना था। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अब फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।